सभी दिव्यांगों के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज। दिव्यांगों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो मिलेगा तीन बड़ी योजनाओं का लाभ। आखिर वो कौन सी तीन बड़ी योजनाएं और किस किस को मिलेगा फायदा, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठा सके। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को किस प्रदेश के जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि हम आपके प्रदेश में, आपके जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आपको नई नई अपडेट देते रहें। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे आखिर वो कौन सी तीन बड़ी योजनाएं जिनका लाभ केवल दिव्यांगों को ही मिलेगा। मोदी सरकार दिव्यांगों के लिए तीन बड़ी योजनाएं लेकर आई है। जिन दिव्यांगों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है जो कि 45% से अधिक है, उन सभी दिव्यांगों को मोदी सरकार इन तीनों योजनाओं का लाभ देगी। तो बात करेंगे सबसे पहली और बड़ी योजना को लेकर। तो सबसे पहली और बड़ी योजना है दिव्यांग पेंशन योजना 2022। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिन दिव्यांगों को अभी तक किसी भी पेंशन योजना का या किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता था, मोदी सरकार के द्वारा अब उनको 3,000 रुपए महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। और जिनको पहले से 200 या 300 रुपए महीने पेंशन मिलती है वो भी इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उनको 20 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, दिव्यांगों का किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस या सेविंग अकाउंट खोला होना जरूरी, साथ ही साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज दो फोटो और साथ ही साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जिसके बाद वो अपने नजदीकी सीएससी केंद्र, जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उनको 3,000 रुपए महीने पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वही बात करेंगे दूसरी बड़ी योजना को लेकर। तो दूसरी और बड़ी योजना है दिव्यांग पीएम आवास योजना। जिन दिव्यांगों का घर कच्चा है, टीन है, झोपड़ी है, जिनके सर पे छत नहीं है, खुद का घर नहीं है, ऐसे दिव्यांगों के लिए मोदी सरकार दिव्यांग पीएम आवास योजना चला रही है, जिसके तहत उनको खुद का घर बनाने के लिए 2,60,000 रुपए मोदी सरकार देगी। इसके लिए किसी भी बैंक में खाता खुला होना जरूरी, साथ ही साथ मूल निवास, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज दो फोटो और साथ ही साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र जो कि 45% से अधिक हो। इसके बाद आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या जन सुविधा केंद्र या फिर अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करना होगा, जिसके बाद आपके घर की जिला बीडीओ के द्वारा जांच की जाएगी। और आप अगर इसमें पात्र पाए जाते हैं, आपका घर कच्चा है और आपको भविष्य में कभी भी इसका लाभ नहीं मिला है, तो आपके खाते में 2,60,000 रुपए डाल दिए जाएंगे, जिसके बाद आप अपना खुद का घर बनवा सकते हैं। वहीं बात करेंगे तीसरी बड़ी योजना को लेकर। तो तीसरी और बड़ी योजना है दिव्यांग फ्री राशन योजना। जिन दिव्यांगों को अभी तक फ्री में राशन नहीं मिलता, जिनका राशन कार्ड नहीं बनाए, तो ऐसे सभी दिव्यांगों के लिए मोदी सरकार फ्री में राशन देगी, जिसके लिए उनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अब दिव्यांग प्रमाण पत्र ही राशन कार्ड का काम करेगा। अपने नजदीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं। राशन डीलर से संपर्क करने के बाद 3 महीने तक फ्री में राशन दिया जाएगा, जिसमें 35 किलो राशन होगा, जिसमें दाल, चीनी, गेहूं, चना, साथ ही साथ बाजरा भी और रिफाइंड भी दिया जाएगा। दोस्तों, आपको अगर अभी तक राशन नहीं मिलता था तो आपके लिए बड़ी खबर है, आपको फ्री में राशन मिलेगा। आपके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र से ही जो राशन कार्ड का काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको पहले से किसी भी योजना का लाभ मिला है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं ये तीनों बड़ी योजनाएं आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।